हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द वेज करी मंत्रा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी पकोड़ा करी। इसके इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। लिस्ट लंबी देख के घबराइए नहीं, ये सब चीज़ें हमारे घर में नॉर्मली होती ही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाउल में हमने आधा कप बेसन ले लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्च, अजवाइन और मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट करके ले सकते हैं। साथ ही हम यहाँ ऐड करेंगे खाने का सोडा और एक चम्मच हमने यहाँ ऐड किया मस्टर्ड ऑयल, यानी कि कड़वा तेल भी जिसको कहा जाता है, सरसों का तेल भी कहा जाता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगर खाने का सोडा नहीं है तो उसकी जगह आप दही मिला सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आपको एक घोल बनाना है। मुझे हाथ से घोल बनाने में आसानी होती है तो मैं हाथ से बना लेती हूँ। पकौड़ा करी नॉर्मली हम राइस के साथ खाते हैं, आप चाहें तो जिसके भी साथ, पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है। देखिए कुछ इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपके घोल का। अब ये मैंने कढ़ाई में घी गरम करके ले लिया है। हमारे घर में जो कढ़ी है वो घी में ही बनती है, बट ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं। मीडियम गैस पे घी गरम हो जाने के बाद इस तरह से हमको इसमें पकोड़े बनाकर इन सभी को तल लेना है। जब आप पकोड़े डालें उसके बाद थोड़ी देर रुक जाएं, एक बार वो हल्के से कुक हो जाए, उसके बाद ही उसे पहले चम्मच की सहायता से थोड़ा पलट दें। अच्छे से पकोड़े जब दोनों साइड से पक जाएं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार आपका घी गरम हो जाए तो बड़े फटाफट बन जाते हैं। सोडा डालने की वजह से ये देखिए कैसे प्यारे से फूल गए हैं, और जब हम कढ़ी में डालेंगे तो ये अच्छे से कढ़ी के सारे जूस को भी एब्जॉर्ब करेंगे और बहुत बढ़िया कढ़ी बनेगी। अब इसे हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे। अब हम कढ़ी का घोल बना के रेडी कर लेंगे। उसके लिए हम बाउल में वापस बेसन लेंगे और इसमें मैं 4 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। जो मैंने दही यूज़ किया है वो ज़्यादा खट्टा नहीं है। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा हो तो आप उस हिसाब से उसका मेजरमेंट थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें सिर्फ नमक और हल्दी मिला रही हूँ मैं, और पूरे घोल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि उसमें थोड़े भी लम्स ना रहे। अब सेम कढ़ाई में जो एक्सेस घी था वो निकाल लिया मैंने, और अब यहाँ मैं उसको तड़का दे रही हूँ। राई और जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा चटक जाए। हींग बहुत मस्त है, हींग के बिना कढ़ी अच्छी नहीं लगती। और हम यहाँ ऐड कर रहे हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को थोड़ी देर चटकने के बाद हम ऐड कर देंगे मिर्ची और लहसुन, और उसको सॉटे करेंगे। ज़्यादा नहीं, लहसुन को आपको बहुत ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि प्याज भी पकाएंगे तो फिर लहसुन एकदम काला हो जाएगा उसी के साथ। हल्का सा सॉटे करके आप इसमें प्याज डाल देंगे जब तक कि हम तड़का भी लगा रहे हैं। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्याज को सॉटे कर रहे हैं, ये सब मीडियम गैस पर कर रहे हैं, मीडियम टू लो पे। और प्याज को भी सिर्फ हल्का ब्राउन होने तक करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जब हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाए तब आप बंद कर दीजिए। ये जो हमारा कढ़ी का घोल है अब इसको ऐड कर देंगे। एक बार आप चला के फिर ऐड कीजिए, क्योंकि बेसन नीचे बैठ जाता है। अब उसी कटोरे में हम 2-3 बार पानी डाल के उसमें कढ़ी में ऐड कर देंगे। एक साथ में बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, वरना कढ़ी हो सकता है बहुत ज़्यादा पतली हो जाए। मैं प्रीफर करती हूँ थोड़ा पानी ऐड करने के बाद उसको बॉईल होने देती हूँ। उसके बाद जब थिकनेस का आइडिया आ जाता है उसके बाद मैं और पानी ऐड कर देती हूँ। यहाँ मैं धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। साथ ही सिंस कढ़ी बहुत ज़्यादा थिक है, मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अब ये आप अपनी पसंद के हिसाब से कढ़ी की कंसिस्टेंसी थोड़ी मोटी या पतली रख सकते हैं। इस पॉइंट पर आप नमक वगैरह भी चेक कर लीजिए कढ़ी में। ये देखिए अच्छे से बॉईल हो गई है। आपको करीब करीब 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देनी है कढ़ी को मीडियम गैस पे। और उसके बाद जब ऑलमोस्ट आपकी कढ़ी रेडी हो तब आप पकौड़े जो हमने बना के रखे थे वो उसको ऐड कर दीजिए। पकौड़े डालने के बाद आप सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक ही कढ़ी को कुक कीजिए और धनिया पत्ती से गार्निश कर दीजिए। फटाफट बन गई हमारी कढ़ी, बहुत ही टेस्टी लगती है, स्पेशली बासमती चावल के साथ। आप बनाइए, खाइए और हमें फीडबैक दीजिए कितनी प्यारी लग रही है कढ़ी। और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए बने रहिए वेज करी मंत्रा के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।